जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टार्ट द्रविद विशाल में आप सभी का स्वागत है। सो, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जोमेटो के ऊपर। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले इस कंपनी से रिलेटेड एक अच्छी खबर यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है दोस्तों, वो हम कह सकते हैं कि लगातार इस कंपनी में माल उठाते हुए यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रहे हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। एंड ये जो ये लोग म्यूचुअल फंड वाले यहाँ पे माल उठा रहे हैं, उसका मतलब क्या है, मीन क्या है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बताएंगे। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचते हैं कि यह कंपनी फ्यूचर में एक मल्टीबैगर साबित हो सकती है, तो उसके बारे में भी हम आपको इसी वीडियो में यहाँ पे बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आज का परफॉर्मेंस इस कंपनी का देखें तो देखिए कि 2% के आसपास यहाँ पे हमको गिरावट देखने को मिल रही है। एंड आपको यहाँ पे मालूम होगा कि हमारी जो कंपनी है जोमेटो, वो अभी हाल ही में लिस्ट होते हुए भी यहाँ पे हमको देखने को मिली है, जिसका अगर मैक्सिमम चार्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 23 जुलाई से यह कंपनी यहाँ पे लिस्ट होते हुए हमको देखने को मिली थी। एंड तब से लेकर के अभी तक देखा जाए तो 5% तक का प्रॉफिट यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा यहाँ पे 23 जुलाई से यहाँ पे हमको परफॉर्मेंस देखने को मिल जा रहा है। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि एक ही टाइप में अभी एक महीने में कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिला है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रहना चाहिए कि ये कोई छोटी कंपनी यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलती है। मार्केट कैप आप देख सकते हैं कि 1,00,000 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रहा है। तो इतनी बड़ी कंपनी है एंड यहाँ पे लगातार म्यूचुअल फंड द्वारा यहाँ पे माल उठाया जा रहा है, तो इसका मतलब हम आपको ज़रूर बताएंगे। सो, अभी हम यहाँ पर सीधा चलते हैं म्यूचुअल फंड के डाटा के ऊपर। सो, अभी हम यहाँ पर सीधा उसी आंकड़े के ऊपर आ गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि SBI म्यूचुअल फंड की यहाँ पे अगर हम बातें करें तो यहाँ पे देखिए 566 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने इस कंपनी में बाय किया है। जबकि ये जो फिगर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये सबसे हाईएस्ट फिगर, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा रकम यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है SBI द्वारा इस कंपनी में, हम ये बोल सकते हैं कि शेयर्स खरीदते हुए। देन वहीं पे मोतीलाल ओसवाल की अगर यहाँ पर हम बातें करें तो आप देखिए कि 499 करोड़ का इन्होंने यहाँ पे इस कंपनी में हिस्सेदारी कुछ खरीदी है, शेयर्स कुछ खरीदे हैं। देन वहाँ पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिराई की अगर हम यहाँ पर बातें करें तो वो भी देख सकते हैं 481 करोड़ का उन्होंने इस कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं। देन एक्सिस की अगर बातें करें तो ये सभी देखिए म्यूचुअल फंड है, तो मैं यहाँ पे सीधे एक ही नाम लेता हूँ आगे का। तो एक्सिस की अगर बातें करें तो देखिए 467 करोड़ का इन्होंने यहाँ पे खरीदा है। कोटक की बातें करें तो देखिए कोटक भी 250 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पे माल यहाँ पे इसने जोमेटो में उठाया है। HDFC की अगर यहाँ पर बातें करें तो देखिए 244 करोड़ का माल इन्होंने इस कंपनी में उठाया है। आदित्य बिरला सन लाइफ की बातें करें तो यहाँ पर यह भी देखिए कि 227 करोड़ का इन्होंने भी माल उठाया है। ICICI प्रो म्यूचुअल फंड की बातें करें तो देखिए इन्होंने भी 184 करोड़ का माल उठाया है। फ्रैंकलिन टेम्पलेसन की बातें करें तो उन्होंने भी 184 करोड़ का माल उठाया है। IDFC की बातें करें तो उन्होंने भी देख सकते हैं कि 84 करोड़ का माल उठाया है। एडलवेस की बातें करें तो उन्होंने भी यहाँ पे इस कंपनी में 72 करोड़ रुपए का माल उठाते हुए देखने को मिल जा रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि बहुत सारी म्यूचुअल फंड यहाँ पे लगभग हम बोल सकते हैं कि सभी के सभी यहाँ पे इस कंपनी में माल उठा रहे हैं। जोमेटो की अगर यहाँ पर हम बात करें, जो कि आपके सामने यहाँ पे देख भी सकते हैं कि स्क्रॉल हो भी रहा है, तो इसका मतलब क्या है। एंड सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ये समझिए, ये लोग माल उठा रहे हैं, चलिए ठीक है, अच्छी बात, यहाँ पे ये लोग फ्यूचर के बारे में कुछ चीज़ें सोच करके चल रहे हैं, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम इस फिगर के ऊपर फिट कर ले तो ठीक है, सबसे पहले हम अगर इस कंपनी की यहाँ पे हम बातें करें दोस्तों, तो कंपनी छोड़िए, पहले म्यूचुअल फंड की बातें करते हैं। तो जितने भी म्यूचुअल फंड की अगर यहाँ पर हम बातें करें दोस्तों, वो लोग जब भी किसी भी कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए अभी इन्होंने जोमेटो में इन्वेस्ट किया, तो क्या वो कुछ दिनों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं? सो नहीं दोस्तों, ये लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने के बाद, यहाँ पे फ्यूचर ओरिएंटेड है या नहीं उसको देखने के बाद इन्वेस्ट करते हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। वो जो लॉन्ग टर्म की अगर यहाँ पर बातें करें तो 5 साल से ऊपर का ही यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है। मतलब इन सभी लोगों को, जिन लोगों की का लिस्ट अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया, उन सभी लोगों को यहाँ पर लगता है कि यह कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, ऐसा यहाँ पे इन लोगों को उम्मीद देखने को मिल जा रही है। इसी वजह से यहाँ पे सभी के सभी लोगों ने यहाँ पे इस कंपनी में जोमेटो की बातें करें तो उसमें माल उठाते हुए हमको देखने को मिल जा रहे हैं।
सो अभी जो बड़ा सवाल यह है कि क्या अभी हमको भी इस कंपनी में यहाँ पे बाय करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, अपने आप को देखिए एंड म्यूचुअल फंड की बात कीजिए, ठीक है। म्यूचुअल फंड अगर इनका ये 566 करोड़ डूब भी जाएगा तो भी हम बोल सकते हैं कि इनके पास इतना पैसा रहता है कि ये 566 करोड़ कभी भी कवर कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी बात कीजिए कि अगर क्या आपके अगर 1000 रुपये भी डूब सकते हैं, डूब जाएंगे, तो आपको यहाँ पे कैसा लगेगा, क्या आप उसको यहाँ पे झेल पाएंगे, क्यों नहीं क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किए वो फ्यूचर के बेसिस पे किए। अगर कंपनी फ्यूचर में अच्छा नहीं करती है तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो शेयर प्राइस है जोमेटो का वो हमको नीचे आते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड प्रेजेंट टाइम में अगर हम यहाँ पे जोमेटो के परफॉर्मेंस की यहाँ पे अगर हम बातें करें तो इनका जो परफॉर्मेंस है वो कंपनी जोमेटो कंपनी अपने बिजनेस से यहाँ पे प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है, जिसको मैं आपको यहाँ पे दिखाना भी चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको 3 साल का डाटा देखने को मिल रहा है, 19, 20 और 21 का, जिसमें आप देखिए कंपनी का बिजनेस द्वारा जो प्रॉफिट है वो हमको माइनस में ही यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। तो इस तरह की कंपनियों से जो हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर है दोस्तों, अभी फिलहाल के टाइम में तो हमको दूर रहना चाहिए। म्यूचुअल फंड एक बड़ी फंड यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है तो वो लोग थोड़ा सा रिस्क लेकर चलते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अगर रिस्क ले, रिटेल इन्वेस्टर अगर यहाँ पे रिस्क ले तो उनके लिए ये बड़ी बात होती है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके हिसाब से यहाँ पर अगर हम बातें करें तो ये जो फिगर जब तक यहाँ पे माइनस में देखने को मिल रहा है, जब तक ये प्लस में हमको यहाँ पे ना देखने को मिले, तब तक हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको यहाँ पे दूर रहना चाहिए। चलिए मान लेते हैं प्लस में, छोड़िए बहुत लोगों को हड़बड़ाहट रहती है, तो चलिए ये माइनस जो फिगर यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 23,856 से ज़्यादा माइनस 8,156, तो ये जो सिलसिला है जो ये माइनस में इनका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो अगर लगातार यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे हमको इनका जो परफॉर्मेंस है जोमेटो का वो अच्छा देखने को मिले, एंड ईयरली बेसिस पे जो परफॉर्मेंस है प्रॉफिट का वो हमको जो माइनस में चल रहा है वो थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिले। जैसे अभी मान लीजिए 8,000 है, मानते हैं एक साल बाद चलिए मान लेते हैं कि 4,000 अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, तब आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर बातें करें तो, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। एंड ये कंपनी ऐसा नहीं है दोस्तों कि ग्रो नहीं करेगी, फ्यूचर में जरूर ये ग्रो करेगी ऐसा मुझे भी लगता है, लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से अगर हम लोग सोचें तो अभी रिस्क लेने लायक ये कंपनी यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलती है। सो यहाँ पर देखा जाए तो मैंने आपके सभी सवालों को जवाब दे दिए हैं, शायद से आपको यहाँ पे समझ में भी आ गया होगा कि आपको करना क्या है। सो वीडियो में के अंत में एक बार फिर से मैं छोटे लाइन में कह दूँ कि इस कंपनी से हम बोल सकते हैं कि अभी इससे दूर रहना ही हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। एंड म्यूचुअल फंड की बातें को तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, उन्होंने माल उठाया अच्छी बात है क्योंकि कंपनी अच्छी देखने को मिल रही है, फ्यूचर में जा करके करीब 5 साल या 10 साल बाद यहाँ पे ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, तो तब तक क्या आप जो पैनिक सिचुएशन है कि उसको झेल सकते हैं या नहीं। अगर झेल सकते हैं तो यहाँ पे बाय कीजिए, अगर नहीं झेल सकते हैं तो हम यही कहेंगे कि इस कंपनी से दूर रहिए, इससे अच्छी अच्छी कंपनी यहाँ पे मार्केट में आपको देखने को मिलती है तो उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे सभी चीज़ें इस कंपनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थे वो सभी मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।